सुनते कानों हमारे हैदर का सलाम पहुंचे जी। इस वक्त आपको लाइव अपडेट कर रहे हैं हम बेगम कोर्ट की तरफ से, जो कि अली एजाज भुट्टर एडवोकेट साहब ने यहां पर रैली निकाली है इमरान खान की आवाज़ पर। इतवार के दिन आज लोग निकले हैं, 2 बजे का टाइम था रैली का। तमाम तर तादाद आप इस वक्त देख सकते हैं कि लोग तमाम खौफ के पुतलों को तोड़ते हुए निकले हैं। अब मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है कि तमाम ताहत निकाह लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने ज्वाइन किया इनको, और इस वक्त अली एजाज भुट्टर जो है वो खुद इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। तमाम तर लोग इस वक्त जो है वो रैली के साथ जमहूरियत कर चुके हैं और तादाद मजीद बढ़ती जा रही है। यहाँ पर यासर गिलानी साहब ने भी इनको ज्वाइन किया हुआ है, जो MP है यहाँ से इनके नीचे अली एजाज भुट्टर के साथ बिल्कुल दूसरे पैनल में वो एज MP है कंटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको नया पाकिस्तान से अपडेट दे रहे हैं हम। तमाम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो रैली की कितनी बड़ी तादाद, लोगों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त शामिल है जी इस रैली के अंदर। तमाम खौफ के बंद तोड़ चुके हैं लोग, और आज एक बहुत लाहौर बाहर निकल आया है। मेन लाहौर की बात थी, लाहौर को नूली का गढ़ कहा जाता था, लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया है कि तहरीक इंसाफ यहाँ पर मौजूद है, लोगों की तादाद मौजूद है। आप इस वक्त हर तरफ देख सकते हैं कि सिर्फ PTI के फ्लैग, PTI के झंडे थामे हुए लोग खड़े हैं, लेकिन पुलिस की भी यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पुलिस की भी इस वक्त तादाद यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन रोकना मुश्किल है जी, क्योंकि अली एजाज भुट्टर साहब खुद क़यादत कर रहे हैं, अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। आपको लाइव आगाह करते रहेंगे। याद रखिएगा अपना भी अपने चैनल का, इजाज़त दीजिए हमारे को ना।